एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। फंक्शन है fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, मुझे डिफाइन करना है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो सही, हम c लेके करेंगे ना? हाँ c लेकर। ओके तो लेट अस चेक इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c। तो LHM एट x इज इक्वल टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx is equal to limit h tending to 0 f c minus h limit h tending to 0 f c minus h, मतलब जहां पर भी इस फंक्शन में x है वहां पर c minus h डाल दो। तो cos x की जगह c minus h का स्क्वायर। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मुझे लगता है हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू सी एच। एक्सपैंड कर दिया, अब एच की वैल्यू जीरो डालो तो ये सीधा सीधा कॉस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। बताओ कदर करोगे या कर लोगे? यस सर कर लूंगी। है ना, राइट हैंड लिमिट भी cos c स्क्वायर आ जाएगी और फंक्शन की वैल्यू, मतलब जब मैं f c निकालूंगा तो वो तो cos c स्क्वायर आ ही जाएगा। छोड़ दें, अब इसी तरह से बताओ क्वेश्चन नंबर 32 करवाऊं? तो हो जाएगा मतलब। हाँ 34 बताओ क्या करवाऊं? 34 कर लोगे? सर 34 Yes, sir. तो 34 अगर कर लोगे तो एक बार करके मुझे भेजना जरूर। ठीक है ठीक है ठीक है, 34 जरूर भेजना, बाकी भेजो या ना भेजो। ओके सर। अच्छा अब 5.2 तो शायद हो गई थी। यस सर। है ना, और 5.3 में 5.3 कर ली थी क्या? यस सर हो गई थी पूरा कंप्लीट, वो इनवर्स वाले सब कर लिए सर? सारे कर लिए। अरे वाह वाह बढ़िया। चलिए जी फिर अगला देखते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस और इसका ट्रू इज इट ट्रू दैट एग्जांपल नंबर 28 है पेज नंबर 173। हाँ ये तो छोड़ो, एग्जांपल 28 की कोई जरूरत नहीं है। एग्जांपल नंबर 29 पेज नंबर 174। जिस भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है ना, उस फंक्शन को आप एक कोई पैटर्न लेकर चलो, या तो आप उसको fx मान लो और या फिर आप उसको y मान लो। हम एक पैटर्न लेकर चलते हैं कि जो भी फंक्शन है हमको जिसको भी डिफरेंशिएट करना है हम उसको y मानकर चलते हैं। तो जैसे फर्स्ट दे रखा है e की पावर माइनस x, तो मैं कहूंगा y is equal to e की पावर माइनस x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा dy by dx e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल भी e की पावर माइनस x ही होता है। तो ये हो गया e की पावर माइनस x, लेकिन माइनस x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस वन। है ना, ये आपका चेन रूल के हिसाब से e की पावर माइनस x तो as it is रहा और d by dx of माइनस x ये क्या हो गया? माइनस वन। ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, करेक्ट? यस सर। देखिए सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। तो मैं देखता हूं कि यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है अलग अलग, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जब मैं डिवाइड बाई डी एक्स करूंगा तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस, तो ये हो गया कॉस लॉग एक्स, और फिर डिवाइड डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगला फंक्शन तो लॉग एक्स है, तो ये हो गया कॉस लॉग एक्स और डिवाइड डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स। तो कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, बताओ समझ गए? नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा तो समझ में आ गया? यस सर। अच्छा एक मिनट वेट करिए बस प्लीज, एक मिनट। चलिए जी अब ये हो गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। थर्ड पार्ट है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। तो यहां पर आप देखिए यहां पर हमारे पास फिर से दो फंक्शंस हैं, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस इनवर्स, तो cos इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है बताएंगे? सो 1 बाय माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है? तो अब यहां पर देखो cos इनवर्स x अगर होता cos इनवर्स x तो होता माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाता। लेकिन अब है cos इनवर्स e की पावर x, तो x की जगह e की पावर x रिप्लेस कर दीजिए बस, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर। पर ये तो cos इनवर्स का डिफरेंशियल कर दिया, फिर e की पावर x का भी तो डिफरेंशियल करेंगे एज पर चेन रूल, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x dy by dx is equal to minus 1 upon power की power multiply हो जाती है under root 1 minus e की power 2x, और e की power x का differential हो जाएगा e की power x, तो dy by dx हो गया minus e की power x upon under root 1 minus e की power 2x। बताइए समझ गए? Yes sir। ठीक है, अब इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट देखेंगे e की पावर cos x। y इज इक्वल टू e की पावर cos x, y इज इक्वल टू e की पावर cos x। तो अब आप ये देखो कि अगर सिंपली e की पावर x होता तो e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x, तो अब e की पावर cos x है तो इसका डिफरेंशियल भी e की पावर cos x हो जाएगा। लेकिन अगला फंक्शन क्या है? cos x, है ना? तो cos x का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन x, वही चेन रूल माइनस d cos x, है ना? डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू e की पावर cos x, फिर cos x को फर्दर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। बताइए समझ में आ गया? यस सर। अब ये बताओ एक्सरसाइज 5.4 में 10 क्वेश्चन है, खुद से करोगे? Yes, sir. Okay. मैं 10 के 10 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, एक तो ये मेरे को भेजना और इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34 वो, फिर अगला बताता हूँ आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 5.4 आपको करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं, हम एक तरीका लेकर चलेंगे कि कभी भी हमें जब कोई क्वेश्चन दे रखा होगा ना तो पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें ये स्पेशली वो मेंशन नहीं करेगा कि आपको इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके इसको आपको डिफरेंशिएट करना है,
वो आपको मेंशन नहीं करेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप कहां लगाएंगे। ये कैसे होगा, अगर कोई भी एक्स वाली टर्म, कोई भी एक्स वाली टर्म अगर आपको पावर में दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके वो आसान बनाया जा सकता है उस क्वेश्चन को। तो आप कहेंगे जैसे यहां पर भी x वाली टर्म पावर में थी, ठीक है, और यहां पर भी x वाली टर्म पावर में थी, तो यहां पर भी यूज किया जा सकता है क्या? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जरा देखेंगे कि जहां पर भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज हमें कहां करना है, जहां पर भी या तो x वाली टर्म पावर में दिखाई दे वहां तो हमें करना ही करना है, और अगर मान लीजिए x वाली टर्म पावर में ना दिखाई दे, कोई नॉर्मल एक्सप्रेशन भी है और उसमें पावर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी पावर दे रखी है, जैसे मान लो पावर 10 दे रखी है, पावर में 12 दे रखा है, 13 दे रखा है, तो आप कोशिश ये करना कि आप उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करें। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम एक मेथड देकर चलेंगे कि हमको जो भी फंक्शन दे रखा है हम दोनों तरफ लॉग लेकर और फिर सॉल्व करेंगे। देखना कैसे करना, एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मेथड है। हम आते हैं इसमें पेज नंबर 175, एग्जांपल नंबर 30। पेज नंबर 175, एग्जांपल 30 में इन्होंने बोला है डिफरेंशिएट अंडर रूट x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो जो भी फंक्शन दे रखा है उसको हम y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 ब्रैकेट में x square plus 4 और अपॉन 3x square plus 4x plus 5, 3x square plus 4x, 3x square plus 4x plus 5। ये आपको दे रखा है फंक्शन, तो बोल रहे हैं कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए। तो देखो क्या है कि यहां पर ये इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है कि दो टर्म्स एल्जेब्रिक टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और एक क्वाड्रेटिक टर्म दे रखी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो नीचे डिनोमिनेटर में जो इनको डिवाइड कर रहा है, और पूरे का दे रखा है अंडर रूट। तो जब अंडर रूट दे रखा है पूरे का, तो यानी कि पूरे की पावर 1/2 दे रखी है। तो जब ये इस तरीके के टर्म्स होते हैं ना कि दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन डिवाइड में है और पूरे की होल पावर कुछ दे रखी है, तो यहां पर भी आप देखोगे पूरे की होल पावर दे रखी है 1/2। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, आप ऐसे में लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, और लॉग लेने से क्वेश्चन कैसे आसान बन जाता है वो आप देखना। देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ये जो y है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ y इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसकी होल पावर 1/2 ये दे रखा है, ठीक है ना। होल अंडर रूट मतलब होल पावर 1/2। आप कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग लीजिए, ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 into x square plus 4 upon 3x square plus 4x plus 5 की होल पावर 1/2 ये हो गया। अब आप जब log ले रहे हैं तो log के आगे कोई भी टर्म लिखा हुआ हो, log के आगे कोई भी टर्म लिखा हुआ हो और उसकी जो पावर दे रखी होती है ना उसका, वो पावर फ्रंट में आ जाती है log से पहले, वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, ये पता है ना। अगर log a की पावर b, मान लीजिए मुझे ये रखा है कि log a की पावर b, तो ये जो b है ना ये फ्रंट में आ जाता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b log a, ये मालूम है कि नहीं।
काजल यस सर ठीक है। अब जरा देखिएगा जैसे यहाँ पर पावर में 1/2 है, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है पावर में 1/2 है, ये फ्रंट में आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे log y is equal to 1/2 log x minus 3 x square plus 4 upon 3x square plus 4x plus 5। ये हो गया। आगे मैं इस तरफ कर रहा हूं, देखिएगा अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये लॉग वाला टर्म है तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं जानता हूं यहां पर हम लिख लेते हैं सिंस लॉग ए बी दिखाई दे रहा है, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, log a upon b is equal to log a minus log b, सिंपल सा फंडा है कि log के अंदर log के आगे जो आगे ब्रैकेट में रखा होता है तो log के अंदर अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब वो log a plus log b हो जाएगा, कोई टर्म अगर डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाएगा। देखिए ये दोनों टर्म्स log के अंदर मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये अलग अलग log होकर एड हो जाएगा और जो भी टर्म यहाँ डिवाइड में है वो माइनस बनकर आ जाएगा। तो आप ये देखिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है भाई यूजिंग दीज रूल्स। तो ये हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2 तो देखिए बाहर है ही, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर और माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। बताइए क्लियर है इतना, ठीक है। लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2 और लॉग के आगे जो भी टर्म मल्टीप्लीकेशन में होती है वो अलग अलग टूटकर एडिशन हो जाता है उनका, और जो डिनोमिनेटर में होती है डिवीजन में होती है वो अलग टूट कर माइनस हो जाता है, माइनस लॉग हो जाता है। तो लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक है अच्छा अब क्या करेंगे इसमें हम डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो log y का डिफरेंशियल इनिशियली क्या हो जाएगा 1/y, भाई log का डिफरेंशियल यही होता है कि log के आगे जो भी टर्म लिखी हुई है वो अपॉन में आ जाती है, तो log y का डिफरेंशियल 1/y, लेकिन फिर y को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा dy / dx। ये समझ में आया कि नहीं, ये वाला कि log को करा तो log का क्या काम होता है कि log के आगे जो भी लिखा हुआ है वो उसमें सीधा डिनोमिनेटर में लाके रख देता है, ठीक है। तो 1/y कर दिया log का, तो जब log को डिफरेंशिएट करा log के आगे फंक्शन लिखा हुआ था बेटा y, जब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy / dx। समझ गए कि नहीं? यस आगे समझ ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे x भी होता है ना, मान लो हम log x को करते हैं, जैसे हम log x को करते हैं तो इसका डिफरेंशियल log का तो क्या हो जाएगा 1/x, और x का डिफरेंशियल होता है dy dx of x, तो dy dx of x तो 1 हो जाएगा ना, तो इसलिए ये 1 है, इसलिए हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। तो log का काम होता है कि जो भी आगे फंक्शन है वो उसको सीधा लाकर डिनोमिनेटर में रख देता है 1/x, y है तो 1/y, लेकिन y को फर्दर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy / dx। समझ गए? यस सर। ओके अगला देखते हैं अब, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इसका, फिर राइट हैंड साइड की बात करेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखिए 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है, log x - 3 तो log का क्या काम होता है कि 1/ में आ जाता है सब कुछ, 1/x - 3 हो गया,
फिर x माइनस थ्री को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आएगा, तो इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, ठीक। प्लस लॉग का हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और जब एक्स स्क्वायर प्लस फोर को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स। इसी तरह से अगला टर्म है माइनस लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो लॉग का क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और जब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री तो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, तो थ्री इंटू टू एक्स कितना हो गया बेटा सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स, फोर तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का हो गया वन तो ये हो गया फोर, और फाइव है कॉन्स्टेंट तो इसका हो गया जीरो सिक्स एक्स प्लस फोर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहां तक करके अब नेक्स्ट क्या करना है देखो, मुझे निकालना था डीवाई बाई डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में है वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये वन अपॉन वाई है, ये राइट हैंड साइड में जाकर वाई न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स हो गया, वन अपॉन वाई था ना यहाँ, तो वाई इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा वाई अपॉन टू, और ब्रैकेट में वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है। और फिर ये जो वाई है इस वाई की वैल्यू लिखनी है, वाई की वैल्यू क्या है जो ओरिजिनली मुझे दे रखी है वो वैल्यू, तो वाई की जो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dy by dx is equal to 1 upon 2, तो अपनी जगह y की ये वैल्यू डालो अंडर रूट x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई, अब ये पूरा पूरा बड़ा ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस थ्री प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। बोलिए जी समझ में आ गया हो तो चलें आगे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 31 है, डिफरेंशिएट a रेज टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो a रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। एग्जांपल 31 अच्छा सुनो काजल आप ना 5.4 करिए, अब मैं नेक्स्ट कल कराता हूँ, 3 बज रहे हैं, ठीक है, तो ये दूसरी क्लास है, ओके सर, ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ, कल भी दोपहर पे रख लेते हैं टाइम, मैं बता दूंगा कौन सा टाइम होगा, ओके सर, ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सर, ओके।